नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बहुत सारे प्रश्न हैं जो बहुत ज़रूरी है आज के परिवेश में। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता अनिल उपाध्याय जी। जिस तरीके से बहुत सारे राज्यों में जहां पर कांग्रेस को सीटें नहीं निकली, इसको क्या मानते हैं आप? देखिए, ये चुनाव अगर समग्र रूप से देखा जाए तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज इस चुनाव में बढ़ा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस का वोट परसेंट 19.5% था, जो बढ़ के लगभग 22% हो गया, और भाजपा का वोट परसेंटेज 1.5% करीब घटा है इस चुनाव में। तो ओवरऑल तो देखा जाए तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है, और ख़ास तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, अन्य और कुछ अन्य प्रांतों को देखें, कुछ बिहार में भी आई हैं सीटें, लेकिन थोड़ा कम आई, बहुत ज़्यादा नहीं आई, लेकिन आई हैं 9-10 सीटें गठबंधन को। इन राज्यों में कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। ये ज़रूर है कि मध्य प्रदेश और गुजरात में एक सीट आई है, और इसमें छत्तीसगढ़, तीन राज्यों में सफलता अपेक्षा अनुकूल नहीं हुई है, और मध्य प्रदेश में तो थोड़ा निराशाजनक प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। इसका मैं दो कारण मानता हूँ। एक तो ये कारण है कि गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता थोड़ा सा भोली भाली सीधी साधी जनता है, और ये जनता जो है वो धर्म और अन्य चीज़ों का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और भाजपा ने जिस तरह से धर्म को चुनाव प्रचार कर रहा, मंदिर को जिस तरह से चुनाव प्रचार का एजेंडा बनाया, उसका थोड़ा प्रभाव उस क्षेत्र में जरूर लगता है, पड़ा है। इसके अलावा दूसरा कारण ये मानता हूँ, संगठन की कमजोरी है। कांग्रेस ने, मुझे जैसे खासतौर से मध्य प्रदेश का मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में पंडित रविशंकर शुक्ला संस्थापक मुख्यमंत्री थे, बाद में द्वारिका प्रसाद मिश्र थे, फिर श्यामाचंद शुक्ला मुख्यमंत्री रहे, तो तमाम ब्राह्मण नेतृत्व भी था वहाँ जो कांग्रेस को बहुत सपोर्ट करता था। बाद में अर्जुन सिंह आए या उनके समधी दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने, इनके समय में मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो ब्राह्मण थे उनको कहीं ना कहीं से तिरस्कार हुआ, उनको उचित सम्मान नहीं मिला, जिसकी वजह से ब्राह्मणों में थोड़ी नाराज़गी मुझे ऐसा लगता है देखने में मिली है। और जो बहुत से ब्राह्मण परिवार थे जो लगातार कांग्रेस से जुड़े थे, वो भाजपा में चले गए, खासतौर से रीवा क्षेत्र में आप देखिए शुक्ला परिवार था, उसी के परिवार का एक मंत्री भी बन गए हैं। तो इस तरीके से, और सिंधिया को जिस तरह से इरिटेट करके और एक तरीके से बाध्य कर दिया गया कि कांग्रेस छोड़ के चले गए, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि कांग्रेस ने टिकट के वितरण भी ठीक से नहीं किया और उचित प्रबंधन और मैनेजमेंट नहीं किया, इन सब वजहों से कांग्रेस वहाँ पर कमज़ोर हुई। और भाजपा ने या RSS ने वहाँ अपना प्रयोगशाला बना रखा है राजस्थान, मध्य प्रदेश में, और आप जान रहे हैं कि चुनाव के पहले कांग्रेस का खजाना भी खाली हो गया था, ED और CBI का छापा सारे विपक्षी दलों पर पड़ ही रहा था, खाता भी फ्रीज कर दिया गया था कांग्रेस का, तो धनाभाव भी हो गया था, इसलिए कांग्रेस वहाँ ठीक से प्रचार भी लगता है नहीं कर पाई और उचित प्रबंधन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से भी वहाँ नुकसान हुआ, छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर इसे गंभीरता से विचार करना चाहिए, अपनी इस कमजोरी को दूर करना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में उसको अवश्य दूर करेंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ जो चुनाव मैदान हुआ, जो लेकिन परिणाम तो देखने में तो अच्छा आया है, लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे राज्य में जहाँ पे इंडिया गठबंधन की सीटें ही नहीं निकली हैं, जिसकी वजह से जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं शपथ लेने के लिए और अपना जो प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी करने जा रहे हैं। देखिए, इसको आप इस रूप में मत देखिए, निश्चित रूप से जो स्थिति थी खासतौर से चुनाव के पहले, और जिस तरह से वर्तमान मोदी सरकार लगातार विपक्षी दलों पे सबके ऊपर छापा डालना, दो दो मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना और विपक्ष को लगातार परेशान करना, खाता सीज करना, ये तो चाहते ही नहीं थे कि कोई दल चुनाव लड़ पाए। उसके बावजूद भी जिस तरह से राहुल गांधी ने पदयात्रा किया और पदयात्रा करने के बाद न्याय यात्रा किया, उस न्याय यात्रा के बाद अखिलेश यादव और तेजस्वी से मिलकर और अन्य और उद्धव ठाकरे से मिलकर महाराष्ट्र में उन्होंने गठजोड़ बनाया, और जिस तरह चुनाव लड़ा उससे काफ़ी सफलता अच्छी मिली, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही, इसकी उम्मीद भी भाजपा को नहीं रही होगी, उत्तर प्रदेश में 43-44 सीटें इंडिया गठबंधन की आ गई, और चुनाव विश्लेषकों को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें आएंगी, लोग 15-20 सीट का आकलन कर रहे थे, और कांग्रेस को भी सीटें मिली हैं और काफ़ी 6 सीटें मिली हैं, और 6-7 सीटों में कांग्रेस ने बहुत बराबर की लड़ाई लड़ी है,
थोड़ी बहुत कमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में रही है, उसके लिए भी मुझे लगता है जातिगत संतुलन का कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, खासतौर से देवरिया, गोरखपुर और महाराजगंज और ये जो क्षेत्र था आपका बनारस से लेकर वहाँ तक के क्षेत्र के बीच में किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया कांग्रेस में, जिससे ब्राह्मण मतदाता में थोड़ा उदासीनता रही। और भाजपा ने सब जगह ब्राह्मण लड़ा दिया, तो देवरिया में भी भाजपा का ब्राह्मण जीत गया और आपका कुशीनगर में भी जीत गया, गोरखपुर में भी जीत गया। तो कहीं ना कहीं जातिगत संतुलन का राजनीति में ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता, मुझे लगता है कि पूरा ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से इस इलेक्शन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने मिलकर चुनाव लड़े और इसके में जातियों का बंधन टूटा, बैकवर्ड फॉरवर्ड सभी ने एकजुट होकर उठ दिया, तभी इतना अच्छा रिजल्ट आया। और एसटी ओबीसी या गरीब वर्ग निर्धन वर्ग जो था वो भी जुड़ा, उसके साथ सवर्ण मतदाता भी जुड़े बड़ी संख्या में, जिसकी वजह से इलाहाबाद में उज्ज्वल रमन सिंह चुनाव जीते, कांग्रेस से जीते। राहुल गांधी अमेठी में जीते, आदमी प्रतिनिधि अमेठी में जीता और स्मृति ईरानी की बुरी हार हुई। जितने वोट से मोदी जी नहीं जीते, उससे ज़्यादा वोट से किशोरीलाल शर्मा चुनाव वहाँ जीत गए। तो बाराबंकी में भी बहुत अच्छा पुनिया बहुत है, 2.5 लाख से वोट से अधिक वोट से जीते। इस तरह से राहुल गांधी भी 4 लाख के करीब वोट से थे और हमारे मोदी जी तो मात्र 1,52,55,000 वोट से जीते। उनकी विजय जो है बहुत उल्लेखनीय नहीं रही, जबकि 10 लाख का पार की बात कर रहे थे लोग। और अच्छा चुनाव कुल होते हुए भी हमारे कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ अच्छा चुनाव लड़ा। और मोदी जी का वोट का फासला प्रधानमंत्री के दिल से देखा जाए तो उनकी नैतिक हार है। एक प्रधानमंत्री जो 2-3 राउंड इलेक्शन में लगातार हार रहा था, मीडिया ने भले उसको ठीक से नहीं दिखाया लेकिन कम से कम दो तीन चक्री गणना में तो हारते रहे वो। उसके बाद 2,000, 3,000, 1,500 से बढ़ते रहे, बढ़ते भले बढ़ गए, 1.5 लाख से ऊपर गया। तो एक प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वोट से जीतेगा, तो एक तरीके से वो जनता की नाराज़गी थी। और जनता ने नाराज़गी काशी में भी प्रकट किया, अयोध्या में भी प्रकट किया। भगवान राम के नाम पे आप अयोध्या में चुनाव लड़े और अयोध्या में ही आप चुनाव हार गए। अब तो कहने वाले भी कह रहे हैं कि भाई शंकराचार्य जी ने भी कहा था और लोगों ने भी कहा था कि अधूरे मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा की गई, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, जनता ने अधूरा जनादेश दिया। 240 सीटें मिली भाजपा को, जबकि पूरा उनका 272 का आंकड़ा चाहिए, 272 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। तो आज तो अब वो NCC सरकार बन गई, मैंने नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन की सरकार बन गई है, तो अब तो उनके हाथ में कुंजी है। अब वो कब तक साथ रहेंगे ये तो भविष्य बताएगा। आज भले समर्थन दे दिए, वो कब वो समर्थन वापस ले लेंगे। इस जो 14-19 और तमाम ये मोदी सरकार लोग कहते थे, अब तो उसमें नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का एंट्री हो चुका है, अब इस सरकार का क्या नाम होगा? अब इस सरकार का नाम यही होगा जो आपने कहा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की सरकार रह गई। और वैसे भी ये सरकार तो अब NDA गठबंधन की सरकार है, अब भाजपा की सरकार तो है नहीं, क्योंकि बहुमत आपकी है नहीं, मेजॉरिटी नहीं, गठबंधन की सरकार है। तो अब जो राहुल गांधी या अखिलेश यादव के साथ और सारे विपक्षी दल के नेता ने जो अभियान चलाया था, उन्होंने कहा कहते कि हम 400 सीटें हमको दीजिए, 400 पार हम संविधान को मनमाने तरीके से बदलेंगे। तो कम से कम जनता की ये विजय है, जनता ने लड़ाई लड़ी और जनता ने आपको 2/3 बहुमत तो नहीं दिया, अब आप मनमाने तरीके से संविधान नहीं बदल सकेंगे, और बदलेंगे तो जो आपको समर्थन दे रहे हैं यही लोग अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तो अब आप देखा होगा, आपने कल ही आपने देखा होगा मीडिया चैनल सब जगह देखी है, जहाँ बगल में उनके अमित शाह रहते थे, आप 5 आदमी के बाद खड़े हैं अमित शाह, हैं बगल उनके बगल से हट गए, अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनके बगल में आ गए, भाजपा के अध्यक्ष नड्डा उनके बगल में खड़े हैं। तो अपने आप समीकरण चेंज हो रहा, उनका बॉडी लैंग्वेज बदल गया। तो जनता की ये विजय है, ये भाजपा की भी विजय नहीं है और NDA की भी विजय नहीं, ये विजय जनता की है। और जनता ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनादेश दिया, पूर्ण बहुमत किसी को नहीं दिया है, पूर्ण बहुमत इनको गठबंधन को मिला ना उनको मिला है, लेकिन गठबंधन को फिर भी बधाई इसलिए मिलती है क्योंकि सारा उसका धन रोक दिया गया, हर तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल किया गया, चुनाव आयोग की भूमिका भी संदिग्ध रही और हर तरीके से जो है दबाने का प्रयास किया गया, प्रताड़ित किया गया, डराया गया, धमका धमका कर चंद्रबाबू नायडू को भी 6 महीना पहले जेल भेज दिया गया था, उसका हालांकि लाभ मिला उनको, इस तरीके से किसी को छोड़ा नहीं। तमाम हरियाणा में भी आपने तमाम कांग्रेस के पुराने MP थे जिंदल, उन पर दबाव डाल के एक तरीके से कहिए उनका रिवाल्वर कट्टे लगा के कनपट्टी लगा के उनको धमका के उनको भाजपा में शामिल कराया गया। तो इस तरीके से तमाम लोगों को धमका के परेशान करके शामिल कराया गया। और ये जो जनादेश है इससे भी अब कम इनको मिलेगा क्योंकि अब जनता जागरूक हो गई है और जनता ने एक संदेश दे दिया, एक संकेत दे दिया है कि जब वोट का फासला काशी में भी घट गया, प्रयागराज में भी आप हार गए, अयोध्या में भी आप चुनाव हार गए, वहाँ जनता ने बाहर कर दिया, और
इसी के साथ साथ अगर इसी तरीके का एजेंडा रहेगा और यही भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान और धर्म की ही राजनीति करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इनके अहंकार को जनता ही तोड़ेगी और जनता के न्याय की जीत हुई है, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने का काम जनता ने किया, इसलिए जनता को बधाई दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप सुन रहे थे अनिल उपाध्याय जी को। सीधे तौर पर ये जनता का विजय मानते हैं और संविधान की रक्षा करने के लिए जनता ने इस तरीके का परिणाम दिया है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तुम्हारे साथ में रे न्यूज बकेट के साथ में, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।